नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में अधिकारी गजब का खेल खेल रहे हैं। ये गजब का कारनामा स्वास्थ्य विभाग ने खेला है। मजे की बात यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विभागीय मंत्री को इसकी भनक तक भी नहीं लगने दी गई। जी, आखिरकार पूरा उत्तराखंड ये क्यों पूछ रहा है कि स्वास्थ्य विभाग का ये कैसा खेल, जिस खेल से सीएम भी अनजान है और हर कोई ये कह रहा है कि क्या बात है पांडे जी। दरअसल उत्तराखंड में सरकारी कामकाज किन हालात में आगे बढ़ता है, इसकी बानगी स्वास्थ्य विभाग में एक रिटायर्ड अधिकारी की पुनः नियुक्ति से समझी जा सकती है। स्वास्थ्य महानिदेशक 4 सदस्यीय कमेटी बनाकर जिस दिन IEC में हुई अनियमितता की जांच के आदेश करती है, उसी दिन यहां तैनात रहे अधिकारी को आउटसोर्स पर पुनर्नियुक्ति भी दे दी जाती है। मजे की बात तो ये है कि इस पुनर्नियुक्ति की जानकारी ना तो सूबे के मुखिया यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को है और ना ही विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को होती। आप कहेंगे कि कैसे हो सकता है, मगर ऐसा सिर्फ उत्तराखंड में ही हो सकता है। अब बड़ा मजाक देखिए कि जिस दिन यानी 23 जुलाई को भ्रष्टाचार को लेकर जांच के आदेश दिए गए थे, उसी दिन स्वास्थ्य महानिदेशक की तरफ से ही एक और आदेश दिया जाता है, जिसमें ISA हाल ही में सेवानिवृत्त हुए अधिकारी JC पांडे को उसी विभाग में उसी काम के लिए दोबारा पुनर्नियुक्ति दे दी जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि भाजपा सरकार में ही शिक्षा मंत्री रहे अरविंद पांडे इस अधिकारी की पैरवी करते हुए इसे दोबारा विभाग में नियुक्ति देने की सिफारिश भी करते हुए दिखाई देते हैं। हैरानी की बात यह है कि सिफारिश के बाद संबंधित अधिकारी की नियुक्ति भी दे दी जाती है और उसकी भनक विभागीय मंत्री को भी नहीं लगती। इस पे किस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। अभी मेरे संज्ञान में नहीं आया, आपने मुझे दिया है, मैं उसका संज्ञान लूंगा। पांडे तो बहुत चर्चित अधिकारियों में से है। उनका कब्जा एक मोनोपोली अप्रोच के बेस पे उन्होंने भ्रष्टाचार को ही जन्म दिया, बढ़ाया और राज्य में सब मैंने समझता चुप हैं। आज अगर डायरेक्टर हेल्थ ने कोई चिट्ठी लिखी या जॉइंट सेक्रेटरी ने लिखी तो आदेशानुसार मंत्री की संभवतः नॉलेज में नहीं है। मंत्री से मुझे जो जानकारी मिली कि अप्रूवल नहीं ली गई है, तो JC पांडे के साथ पास में कौन सा हथियार है, कहाँ से उसकी पुनर्नियुक्ति होगी रिटायरमेंट बाद? तो करप्ट अधिकारियों में तो NH में जितनी गड़बड़ियाँ हैं उसको श्रेय पांडे को जाता है और प्रधानमंत्री जी के यहाँ इंक्वायरी के बाद भी उसको पुनर्नियुक्ति दी जाती है और मैं समझता हूँ मंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। मंत्री जी की संज्ञान नहीं थी बहुत ही दुखद है, तो फिर मंत्री को हैसियत ही नहीं है। फिर तो एडिशनल डायरेक्टर सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी जैसा मैं कहता हूँ ब्यूरोक्रेसी चला रही सरकार को, तो निर्वाचित मंत्रियों का कोई अधिकारी नहीं है और एक भ्रष्टतम अधिकारी को पुनर्नियुक्ति देना, मनचाही जगह पर देना जहाँ लूटमार है, भ्रष्टाचार का चांस है वहाँ दे रहा, उसकी तो जाँच होनी चाहिए। तो 23 जुलाई को ही भ्रष्टाचार को लेकर जांच के आदेश दिए गए, उसी दिन स्वास्थ्य महानिदेशक की तरफ से ही एक और आदेश दिया जाता है, जिसमें IAS से हाल ही में सेवानिवृत्त हुए अधिकारी JC पांडे को उसी विभाग में उसी काम के लिए दोबारा पुनर्नियुक्ति दी जाती है, जिसके बाद बखेड़ा खड़ा हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी सुभाष कौर मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुभाष, आखिर ये खेला कब से खेला जा रहा है और इस खेल में कौन कौन शामिल है, पूरा मामला किस तरह से है? सुभाष अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग में जिस तरीके से ये मामला चल रहा है, ये पहली बार नहीं है जब JC पांडे को लेकर इस तरीके का विवाद सामने हुआ है। इससे पहले भी JC पांडे जब रिटायर होने वाले थे उसके बाद से ही ये अर्जी लगाई जा रही थी कि शायद जिस स्थान पर वो कार्य कर रहे हैं उस स्थान पर कोई और व्यक्ति काबिल नहीं हो सकता और उस काम को उतना बेहतर तरीके से नहीं चलाया जा सकता, इसलिए JC पांडे को फिर से एक बार मौका दिया जाए और लगभग 11 महीने का समय उनका बढ़ाने की बात कही गई थी। हालांकि इसको लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने भी एक पत्र लिखकर कहा था कि कहीं ना कहीं उनके जो कार्यकाल का उसको बढ़ाया जाना चाहिए और सरकार को उसका लाभ लेना चाहिए। लेकिन इतना ही नहीं, उसी विभाग में तैनात एक अधिकारी ने पत्र लिखकर ये भी कहा था कि जिस पद पर JC पांडे जी काम करते हैं, इस पद पर काम करने के लिए वो पूरे तरीके से कैपेबल हैं, चाहे वो शैक्षिक स्थिति में देखें, चाहे काम के अनुभव के स्तर में देखें, अन्य कई चीजों में देखें, वो इस
काम को करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तब से ये बातें कही जा रही थी कि आखिरकार जीजी पांडे पर ऐसी किसकी किसका हाथ है जो वो अभी भी सरकार के बात करने के बाद फिर से आगे काम करना चाहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी बात होने के बाद, इतने तमाम आरोप लगने के बाद, उसके बाद भी उनको फिर से 11 महीने का एक्सटेंड दिया जाता है और वो फिर से वर्तमान में काम करते हुए नजर आता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि इस सब बड़ी घटना के बीच में ना तो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को इस बारे में कोई जानकारी है और ना ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। जब उनसे पूछा गया तो दोनों ही कहीं ना कहीं इस बात से कतराते हुए जरूर नजर आए कि यदि ऐसा है तो उसकी जांच कराई जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जांच कराई कब जाएगी, या फिर ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी कि कुछ ही अधिकारी को जब रिटायर हो गए थे उसके बाद भी उनसे काम कराया जा रहा था। या तो ऐसी स्थिति तब बनती है जब उस विभाग में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जो उस काम को संभाल सकता, तब ऐसी स्थितियों में उनसे कराया जाता। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं थी क्योंकि एक और जो अधिकारी थे उसी विभाग में, उन्होंने ये पत्र लिखकर ये बताया था कि इस काम को वो कर सकते हैं। हालांकि पूर्व सरकार, जब बीजेपी की पूर्व सरकार में त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि जो लोग रिटायर हो गए हैं उन लोगों को रिटायरमेंट दे देना चाहिए और उनको आगे काम नहीं कराना चाहिए, केवल उसी व्यक्ति से काम कराया जाएगा जब उस विभाग के अधिकारी लिख के देंगे कि इस व्यक्ति के अलावा इस काम को कोई और नहीं कर सकता। सुभाष, तो जिस तरह का खेल अभी उत्तराखंड में देखा जा रहा है, जैसा कि आपने भी बताया कि इस बात से सीएम भी अनजान है और हमने खुद उनका बयान सुना है, वो कह रहे हैं कि मामला संज्ञान में नहीं आया है और जैसे ही संज्ञान में आता है तो उस पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच कब तक होगी इस बात का अभी कुछ पता नहीं है। सियासी गलियारों में इस बात को लेकर किस तरह की हवा बह रही है? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सरकार पूरे मामले को लेकर अनजान बनती हुई नजर आ रही है, तो वहीं जो स्वास्थ्य मंत्री है धन सिंह रावत, उनको जरूर इस मामले में जानकारी जरूर थी और वो कई बार इस मसले को लेकर कहते हुए भी नजर आए थे कि जीसी पांडे को रिटायरमेंट के बाद आगे नहीं उनके कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा बल्कि किसी और व्यक्ति को स्थान दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि विभागीय मंत्री के बगैर उनको एक्सटेंशन दिया जाता है और उसके बाद वो काम करते हुए नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि किसी बड़े नेता का उनके ऊपर हाथ हो सकता है। और आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि जीसी पांडे को स्वास्थ्य विभाग के उस पद पर लगातार काबिज किया जा रहा है जिस पद से वो रिटायर हो चुके हैं? यानी कि सवाल कहीं सारे उठते हैं और इसको लेकर खुद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक जांच कमेटी गठित की गई थी 4 सदस्य, जिसको लेकर अब जांच के बाद पता चलेगा कि आखिरकार क्या ऐसी वजह है और क्या इस विभाग में और जो पद उनको दिया गया था उस पद का वो किसी प्रकार से दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। इन तमाम चीजों को लेकर जांच भी अब कराई जा रही है। जी बिल्कुल सुभाष, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो जांच कराई जा रही है, लेकिन जांच कब तक पूरी होगी ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा ये भी बड़ा सवाल है कि आखिर पुनर्नियुक्ति क्यों केसी पांडे को यहाँ पर दी गई है? आखिर स्वास्थ्य विभाग में किस तरह का ये गड़बड़ झाला हो रहा है? किसका हाथ जो है वो पांडे जी पर है, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन सियासी गलियारों में बवाल इस पूरे मसले को लेकर मचा हुआ है। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।